व्हाट्सएप ग्रुप हाँ देर आर ओनली आई थिंक 7 to 8 रजिस्ट्रेशन आर देयर फॉर स्टडी ग्रुप मीटिंग. ओके हाँ, बिकॉज अदर मेंबर्स आर काउंसिल मेंबर्स एंड कमिटी मेंबर्स ऑल दे आर इन ग्रुप. ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स आर देयर एंड आउट ऑफ विच देर आर 5 to 6 आर काउंसिल मेंबर्स और कमिटी मेंबर्स. सो आई थिंक पार्टिसिपेंट्स आर फ्यू ओनली फॉर दिस ईयर. एंड जैसा एवरी ईयर ये होता है कि जैसा अपना मीटिंग स्टार्ट होता है तो जैसा जैसा अपना टॉपिक आगे एक एक डिस्कस होता है तो रजिस्ट्रेशन होते हैं और फिर ग्रुप का ये ज्यादा होता है रजिस्ट्रेशन. तो अभी आई थिंक ज्यादा नहीं है, तो 5-6 जन ही है. तो हम स्टार्ट करते हैं ठीक डिस्कशन, है। अपना स्टार्ट करते हैं. हाँ ये जो WIRC कोऑपरेटिव स्टडी ग्रुप करके कोई एक और भी ग्रुप है ना, वो कौन सा है ये? वो भी उसका नहीं, हिस्सा ही है? अभी एवरी ईयर क्या होता है कि जैसा स्टडी ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, अभी 2 इयर्स से तो ऑनलाइन ही हो रहा है, 2 या 2.5 इयर्स से. उसके पहले BKC में फिजिकल मीटिंग होता था. तो करेक्ट। जैसा अपना अप्रैल में स्टडी ग्रुप फॉर्म हुआ तो उसके बाद में सब जन मेंबरशिप लेते हैं और फिर जो मेंबर होता है स्टडी ग्रुप का उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं. और राइट फिर राइट। हाँ, और फिर इन जनरल वो प्रीवियस ईयर का ग्रुप भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि अपना मेजर बेसिक हाँ इंटेंशन मेजर ये है कि नॉलेज शेयरिंग है. तो करेक्ट। अर्लियर ईयर का ग्रुप भी वैसा ही रहता है. तो हाँ। अभी जो करंट ईयर में जिसने भी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आई थिंक 6 or 7 members ओनली आर देयर. उसमें से अच्छा हमने 3 जनों ने हमने अभी यहाँ पे प्रेजेंट है. तो हमें लगता है कि हम थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ठीक। हाँ, तो अभी हमारा मेजर ये थोड़ा ग्रुप डिस्कशन ही टॉपिक रखा है क्योंकि ये सबको इशू आ रहा है. ओके, थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट भी करते हैं. कोई जो अभी एक नया इंजीनियर ज्वाइन किया है. अच्छा 1-2 मिनट और हाँ वेट श्योर करके श्योर। हाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे.
आई थिंक वी शुड स्टार्ट डिस्कशन. हेलो. यस वी कैन स्टार्ट. हाँ यस वी कैन स्टार्ट. तो अपना जैसा अभी आज का टॉपिक ये है कि इनकम टैक्स का सीपीसी के यहाँ से नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जैसा रिटर्न फाइल किया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं और वो नोटिसेस में मेजर ये इश्यू है कि एटीपी का डिडक्शन जो है वो डिसअलाउ किया है. और नियर अबाउट वो सभी कंसल्टेंट्स का केस में वैसे ही हुआ है नियर अबाउट. तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ सोसाइटीज एवरीवन इज डूइंग. आई एम डूइंग हाउसिंग सोसाइटी एंड फॉर ओनली वन आई हैव डन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ओनली वन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आई हैव डन. Okay. Otherwise, I have done written filing of housing society. तो बाकी सब लोगों ने कौन सा type of society का ये किया है returns, किस जो issue आया है? I have done housing society only. Housing society only. Okay. Yeah, yeah. But I मतलब I don't know. Let's ask. हाँ others. हाँ others also. But now I have got a solution for it. So first let's discuss that. Yes, yes. First we will discuss. I have also got the solution. First we will discuss what happened. Then we will come to conclusion and what solution we got. Yes. Other party, other sir, Sushil sir, Nayan sir, आपका कौन सा society में अपने return issue आया है जो ATP का deduction disallow किया है वो? Are they there in the meeting? Yes, yes. I think they are there, but I think they might be thinking that only few participants are there. Only four of us are there. Nayan sir and Sushil sir. Okay, अपना discussion थोड़ा सा continue करते. तो first अपना point of discussion ये है कि ये जो written filing है, I have started filing return since 2018. क्योंकि वो हाँ उसके पहले तो ऐसा cooperative society के लिए जैसे housing society के इसमें ठीक है कुछ income ऐसा ये रहता था कि कुछ ऐसा compulsory भी नहीं रहता था और उनका TDS भी नहीं होता था. Correct. लेकिन 2018 में जो 2018 के बजट में provision कौन सा आया था section 80 AC जो है वो सेक्शन में बताया गया कि आपका चैप्टर सिक्स का डिडक्शन हाँ वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो वो प्रोविजन आया हाँ तो वो प्रोविजन आया. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड आस्किंग माय क्लाइंट टू फाइल रिटर्न. और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी मैंने एक रिमार्क में ये दिया, रिमार्क मीन्स एज सच रिमार्क नहीं दिया था, उनको सजेशन दिया था कि ऐसा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें आपको रिटर्न भी फाइल करना मतलब जैसा ये है हाँ, वो रिटर्न फाइल करके आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज ऑल योर इनकम विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल ऐसा. हाँ तो ये 2018 में प्रोविजन आया. तो स्लोली आई स्टार्टेड आस्किंग. तो किसी क्लाइंट को ऐसा लगता था कि मेरा ये होने के लिए मीन्स ऐसा अपना क्लाइंट उनको चाहिए इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ. तो ऐसा सिर्फ सजेशन था कि ऐसा है आपको चाहिए तो आप मीन्स आप कीजिए, एज पर लॉ है. अगर स्टिल आपको एक्सेप्ट नहीं है तो फिर छोड़ मीन्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते. तो धीरे धीरे सब लोगों का ऐसा एवरी सोसाइटी में ऐसा कहाँ सीए रहते हैं या फिर कहाँ पे बैंकर्स रहते हैं तो वो स्लोली लोगों को थोड़ा सा ये हो गया, रियलाइज हो गया. और फिर हाँ फिर हमने वो रिटर्न फाइलिंग करना स्टार्ट किया. तो रिटर्न फाइल हमने किया और फिर ऐसा अभी करंट ईयर का भी रिटर्न जो है इमीडिएट प्रोसेस हुआ. लेकिन लास्ट ईयर का रिटर्न प्रोसेस होने को बहुत टाइम मतलब जो लास्ट ईयर सितंबर या दिसंबर में फाइल किए थे उनका जो है वो
तो ऐसा क्लाइंट को बेसिकली देखे देखा मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है हाँ वो मतलब ऑनलाइन जाने के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग भी स्टार्ट होने के बाद 1920 ईयर असेसमेंट ईयर 1920 असेसमेंट ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 ये दोनों साल के लिए है ना सारी सोसाइटीज को नोटिसेस आई है नोटिसेस आया बरोबर 21-22 का देखा जाए तो वो मतलब जो मैंने करंट अभी करंट ईयर के मैंने जो प्रोसेस किए ना उसमें तो मुझे सबके रिफंड क्रेडिट भी हो गए। हाँ, मेरा भी रिफंड आ गया। स्टार्टिंग का थोड़ा इसमें इश्यू आया और वो किसी को भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्योंकि रिटर्न फाइल कर रहे हैं और डिडक्शन डिसअलो हो रहा है तो वो डिडक्शन तो पहला रीजन था डिसअलो का जैसा ये है कि आपका रिटर्न विद इन ड्यू डेट चाहिए करेक्ट हाँ तो वो विद इन ड्यू डेट चाहिए तो अभी यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो जैसा सोसाइटी को हमने ये पता था हमें कि ये प्रोविजन में विद इन ड्यू डेट फाइल करेंगे तो ये डिडक्शन मिलेगा तो जो भी सोसाइटी ने विद इन टाइम दिया है तो उनका हमने फाइल किया लेकिन फिर भी कुछ रीजन की वजह से डिसअलो हो गया। हाँ वो मुझे पता है वो रीजन क्या है ना जो अभी अगर आप 22-23 की एक पता है सर्टिफिकेट का सर्कुलर आया था हाँ हाँ आप मतलब बहुत सारा उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी कि उन लोग का जो बैकएंड में जो प्रोसेसिंग हो रहा है सीपीसी में क्योंकि ये सब अभी ऑटो प्रोसेस हो रही है ऑटो प्रोसेस हो रहा है नो मैन सिटिंग बिहाइंड एंड लुकिंग एट द रिटर्न एंड गिविंग एनी डिमांड नोटिस और एनीथिंग सो यस यस दे हैव इनबिल्ट सर्टेन पैरामीटर्स यस दिस रिटर्न यूज्ड टू फॉलो प्रोसेस नाउ व्हाट दे डिड इज पहले कैसा था वो बैकएंड में हमारे रिटर्न फाइल करने के बाद वो प्रोसेसिंग होती थी और अभी कैसे क्या 22-23 में उन्होंने वो अपलोड ही नहीं करने दे रहा था रिटर्न बाईस अपलोड ही नहीं करने दे रहा था यस उसकी उसमें उसकी वजह से हमें वो पता चला क्यों हो रहा है क्यों तो हाँ सही बात है हाँ तो पहला रीजन हमारा है कि विद इन ड्यू डेट अगर हम फाइल नहीं करते तो अपना डिडक्शन डिसअलो होगा वो तो हमें रीजन पता था फिर वो तो हाँ वो रीजन पता था लेकिन किसी का बाय मिस्टेक अब भी हो भी गया होगा कि आफ्टर ड्यू डेट अगर रिटर्न फाइल हो गया है तो भी फिर डिसअलो हो गया लेकिन नियर अबाउट अपना सब विद इन ड्यू डेट ही था। मेन है ना मेन अपना कंसर्न उनको है ना पीएनएल में योर एटीपी डिडक्शन शुड बी रूटेड थ्रू योर पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट यस If you put that details in while filing the return, they are allowing, मतलब it is getting auto processed. Yes, yes. And returns are coming. तो हाँ अभी current year में हमने ऐसे ही किया कि अभी क्या हो रहा था major कि अपना जैसा accounting logic थोड़ा सा है कि cooperative housing society है cooperative society है तो अपना उसमें कुछ business intention नहीं था कुछ नहीं इसलिए अर्लियर ईयर में हमने जो ये किया था रिटर्न फाइल उसमें हमने प्रॉफिट एज सच नहीं दिखाया था वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिखाया था तो अपना तो लॉजिकली करेक्ट था कि ये हमारा प्रॉफिट नहीं है और जो हम जो भी सोसाइटी के लिए हम बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते उसमें हम उसपे उससे प्रॉफिट भी नहीं कहते उसे हम सरप्लस कहते हैं। हाँ और इसलिए हम हाँ करेंटली भी जो मैंने 22-23 में भी हमने फाइल किया ना मैंने सरप्लस नहीं दिखाया सिर्फ इंटरेस्ट यस यस करेक्ट एंड सरप्लस डेफिसिट ओनली एग्जम्प्ट इनकम में जस्ट मेंशन सरप्लस फ्रॉम द कोऑपरेटिव एक्टिविटी। हाँ नहीं तो अर्लियर अपना जैसा वो सॉफ्टवेयर बनाया है सीपीसी का वो है उसमें और अपना अकाउंटिंग लॉजिक है कि ये जो है अपना सरप्लस है इसलिए हमने उसे कुछ दिखाया नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाया तो इसकी वजह से वो नोटिस आ रहे थे। और जैसा आपने कहा कि वो जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट भी नहीं यहाँ पे सरप्लस को हम प्रॉफिट कंसिडर ही नहीं करेंगे सिर्फ नहीं। जो इंटरेस्ट है हाउसिंग सोसाइटी का जो भी एफडी का और सेविंग का इंटरेस्ट है उसे हम पहले प्रॉफिट में दिखाएंगे ये प्रॉफिट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज और सेम वो पी एंड एल में से डिडक्ट भी करेंगे उसे कंसिडर्ड इन अदर कंसिडर्ड सेपरेटली और वो रिटर्न प्रोसेस हो गए और मीन्स ऐसा इमीजिएट वो विद इन 2 or 3 days रिफंड भी आ गया करंट ईयर का तो ऐसा करंट ईयर का ऐसा होने के बाद मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस 4 years
सॉरी 3 इयर्स तो जिसका एवरी ज्यादा सोसाइटी नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई कोई किसी किसी ने कहा था कि नहीं हम देखेंगे आगे, बाद में देखते हैं कुछ रहेगा तो जो भी क्लाइंट का अर्लियर ईयर्स में रिटर्न फाइल किया था उसका मैंने रेटिफिकेशन फाइल किया है. Correct. और वो रेटिफिकेशन भी प्रोसेस हो गया है, मतलब विद इन 8 to 10 days वो रेटिफिकेशन भी प्रोसेस हो गया है एंड इट इज कमिंग पॉजिटिवली, मतलब मेरा इट इज हां पॉजिटिवली वो आ रहा है, डिमांड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड फ्रॉम द पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड से भी वो पूरा निकल जाता है. हां करेक्ट है, करेक्ट. तो ऐसा प्रोसेस हमने किया है. तो ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसा किया है सिर्फ. हाँ. अभी जैसा पहले भी ऐसा, लास्ट ईयर भी ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि इतना डिमांड आ रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ये था कि आपको अपील में जाना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस मैंने किया नहीं है अभी तक. हाँ, आई थिंक अपील में जाने के लिए अगर डिले हो गया है तो उसके लिए जा सकते हैं, या वो थोड़ा उसका प्रोविजन देखना पड़ेगा. जो मेरे जैसे अभी 18-19 अगर पुराना है कोई, क्योंकि हाँ. मैंने तो एक्चुअली 19-20 के भी मैंने कुछ कुछ के सोसाइटी के अपील भी फाइल किए है. हाँ, हाँ. पर मेरा हुआ है एंड फ्रॉम द सीपीसी आई हैव गॉट द पॉजिटिव ऑर्डर फ्रॉम द अपील कमिश्नर ऑफ अपील, मुझे पॉजिटिव ऑर्डर मिला है. ओके, बट अपील कौन से केस में फाइल करना पड़ा, मींस फॉर डिले और फॉर नॉट फॉर डिले. डिले के लिए तो वो पहले कंडोलेंस के लिए वो अप्लाई करना पड़ता है कि प्लीज अलाउ, उसके बाद देन यू कैन फाइल. फॉर डिले तो यू विल नॉट, मतलब डिफिकल्ट है, वी विल गेट दिस पॉजिटिव ऑर्डर. ओके, हाँ, डिले के लिए वो कहेंगे कि आपको विद इन टाइम फाइल करना चाहिए था रिटर्न. हाँ हाँ, बिकॉज़ द एक्ट इज वेरी क्लियर कि आप रिटर्न अगर नहीं फाइल करते हो तो डिडक्शन विल नॉट बी देयर. हाँ हाँ, ओनली लेकिन अभी जेन्युइन केस है डिले मे बी, क्योंकि सेक्रेटरी का कुछ कुछ भी, पर ये भी सोसाइटी है अभी, इंडिविजुअल तो है नहीं कि किसी का डेथ हो गया ये हो गया. सोसाइटी में जो अगर एक बंदा नहीं है तो दूसरे बंदे को करना चाहिए था. हाँ हाँ, यस यस, जिनाइन रीजन नहीं मिलता है हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग या फिर अदर. कंडोलेंस में वो रीजन एक्सेप्ट नहीं होते, मेरे एक दो बार मैंने किए बट कोई फायदा नहीं है. तो अपील कौन सा रीजन के लिए फाइल किया था? अर्लियर वी डोंट यूज, मतलब वी वर नॉट अवेयर नो व्हाट वाज द रीजन. हां, की रेटिफिक. हां हां, यस यस यस, ये प्रोसेस से फॉलो करना है, ये पता नहीं. 1920 के लिए मैंने फिर वो किए थे, अपील किया था और उसका पॉजिटिव. हां, 5-6 लाख था तो अननेसेसरी इंटरेस्ट और सब बढ़ रहा था, तो रिक्वायर्ड फर्स्ट आई फाइल अ रेक्टिफिकेशन. But that came without anything because I didn't know के वो हाँ कि वो P&L through route करना ही है, पता ही नहीं. तो मैंने normal rectification करके फिर then I filed appeal. So appeal I have got a positive order in that those. हाँ, तो ये अपना issue जो है major कि इनकम टैक्स के जो नोटिसेस आ रहे हैं उसके लिए आप हमें एक सॉल्यूशन ये मिला है कि अभी करंट ईयर आई थिंक पॉजिटिवली सबका प्रॉपर हुआ रहेगा क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, और प्रीवियस ईयर के लिए हमें क्या है रेटिफिकेशन रिटर्न फाइल करना है उसका भी टाइम 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है ना, जो ईयर के. हाँ, तो हाँ 4 इयर्स है, तो पॉजिटिवली अर्लियर तीनों भी साल का हमें करने आएगा पेंडिंग आउटस्टैंडिंग 12, 13, 13, 14, 14, 15. So now okay. Where to get the documents? Do you have any kind of that case? Because no. We can ask, but I have not approached them yet. But if that is, I just want that as a last option to go to the assessing officer. If any other way, how we can get the documents and we can process it? Because society doesn't have. No, but for earlier years, how there can be demand? Because कोई बैंक को ये टीडीएस वगैरह बैंक तो नहीं करती थी और वो इंटरेस्ट. नहीं, आई डोंट नो, आई हैव फ्यू 2 or 3 सोसाइटीज वेयर यू नो दे हैव इन द सिस्टम 12, 13, 13, 14, even 15, 16 के लायबिलिटीज खड़ी है अभी. दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट लायबिलिटी हैज अराइव्ड, व्हाट इज डन इन दैट. हां, क्योंकि
मींस ऐसा वो सोसाइटी का इनकम कौन सा सोर्स से रिटर्न फाइल किया रहेगा ना सोसाइटी अभी ने। हाँ किया है, लेकिन क्या है ना, अभी वो चार्टर्ड भी इतने वो लोग बदलते हैं तो वो हाँ डेटा भी वो उनके इशू पास होता है, है वो इतना थोड़ा सा अवेयर वो। नहीं था, तो एज सेक्रेटरी और मैनेजमेंट चेंज इट्स हाँ ऑल हाँ कम्प्लीटली गॉन, एंड फाइल में कहीं पता नहीं वो कबर्ड में कहाँ पड़ा होगा, तो हाँ दे हाँ आर ऑल सेइंग कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ एंड तो एक ही फिर वही ऑप्शन है कि एओ के पास जाके मिले वैसा ना। हाँ एओ के पास जाके ही उनको बताना पड़ेगा कि ये कुछ रहेगा करेक्ट तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन भी नहीं करने आएगा, नहीं एओ को वो लोग मिलके अपना ही ही वो डिमांड ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। हाँ वही करना पड़ेगा। ठीक है और यहाँ पे जो जैसे हाउसिंग सोसाइटी का मेजर अपना वही है, तो हाउसिंग सोसाइटी का डिडक्शन एक मेजर मेनली उसी में मिलता है ना कि ATP 2D में ही मिलेगा डिडक्शन, टू सी ऑल्सो यू कैन गेट टू सी टू ऑल्सो। सी ओके टू टू हाँ सी वो में ही है। दैट अदर 50,000 वाला जो है अदर्स हाँ वाला हाँ अदर्स हाँ टू दैट सी और टू ऑल्सो डी कंबाइनली दोनों ले लेना है हमें करेक्ट डिडक्शन। करेक्ट ओके तो ये मेजर अपना यही था और डिस्कशन का पॉइंट कि ऐसा नोटिसेस आ रहा है और उसका हमें एंड देयर रिप्लाई इज एन देना है। एडजस्टमेंट नोटिस आल्सो व्हिच इज कमिंग, द रिफंड हाँ विच आर हाँ गेटिंग एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, बट आई थिंक एज ऑफ टुडे इट्स माय ओपिनियन वी नो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट हाँ बिकॉज इट इज गेटिंग रिफंडेड हाँ आफ्टर द प्रीवियस ईयर एडजस्ट का अगर रिटर्न हमने रेटिफिकेशन किया निकल हाँ तो वो एडजस्ट मींस वो डिमांड निकल जा रहा है। जा रहा है, तो इट इज गेटिंग कोई मतलब देयर इज नो इशू इन इट, तो हाँ ठीक है। So I think then I think can we conclude this meeting or how we can do, because other participants wants to contribute something. हाँ एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट एंड वी शुड डिस्कस मींस वी हैव डिस्कस्ड फॉर हाउसिंग सोसाइटी। करेक्ट करेक्ट या हाँ बट वी शुड जनरल विल कंटिन्यू द जनरली मीटिंग यस एंड हेलो अदर पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर चमोली सर जुल्फिकार जी नयन जी आपका कैसा ये है कैसे आपने डील किया है ये जो नोटिस आया है उसके लिए। हेलो। हाँ सर हाँ मैं जुल्फिकार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो हाँ ये मैं जस्ट लेट ज्वाइन किया हाँ हाँ बट मेरे को जो अभी नोटिस आया था तो हाँ मैंने भी हाँ रेक्टिफिकेशन में डाला और आई थिंक अभी असेसमेंट ईयर 22 से इसमें तो वो PNL के थ्रू रोटेट करना था, हाँ यहाँ हाँ पे यस दिखाना है। और यस वैसे ही वो रेक्टिफिकेशन में क्या और अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया है, तो आई थिंक इट माइट बी अ हाँ ये वो प्रॉब्लम। आ जाएगा विद इन फ्यू डेज ऑर्डर आ जाएगा। हाँ। देयर इज अ पॉजिटिव ऑर्डर कमिंग फ्रॉम आफ्टर रेक्टिफिकेशन। और हाँ दूसरा क्या हो गया, मेरे सोसाइटी में हम लोग ने लेट रिटर्न फाइल किया, वो पैनेडेमिक में पंद्रह हाँ हाँ फेब्रुवरी ड्यू डेट था, हाँ 15 फेब्रुवरी 21 लास्ट, हाँ बट वो हाँ 16 फेब्रुवरी को फाइल किया बिकॉज वो लास्ट डे पे चल नहीं रहा था। तो हाँ हम लोग हाँ उसके लिए कंडोनेशन सीबी गए कंडोनेशन के लिए वो हाँ वन हाँ डे, क्योंकि अभी वो डिसअलाउ कर दिया ATP 2 में, ATP 2 हाँ और वो 55 लाख का कोई डिमांड निकल रहा है बट अभी अरे कंडो बाप। हाँ हाँ तो रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड नो। नहीं अभी तक कंडोनेशन का ये नहीं हुआ है मींस फाइनल, अभी वो हम लोग वहाँ डायरेक्ट वहाँ से फॉलो अप कर रहे हैं। एओ से दिल्ली हाँ नहीं वहाँ डायरेक्ट दिल्ली हाँ से अच्छा CPC से, क्योंकि सीपीसी वहाँ से, से तो हाँ सीपीसी बैंक हाँ तो अभी एक बार उन्होंने एक दिन का कंडोनेशन दे दिया देन बिकॉज हमारे फेवर में आया था। फिर हम लोग जब असेसमेंट ईयर 1920 का ये किया था ना 1718 अपील में गए थे, क्योंकि पहले ये सब नहीं था PNL के थ्रू वो सब नहीं था, तो करेक्ट। डायरेक्ट हम हाँ लोग पहले डायरेक्ट अदर ऐसा केसेस में और उससे डिसअलाउ किया, तो हम लोग AO ने माना नहीं, तो फिर हम लोग अपील में गए, फिर हम लोग ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में हमारे फेवर में आया, तो वो ओके लोग अलाउ नहीं कर रहे थे ऐसा कि ये हाउसिंग सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं है, क्रेडिट हाँ सोसाइटी पर एप्लीकेबल है एंड यू आर हाउसिंग सोसाइटी, ऐसा सब उन लोग का आर्ग्यूमेंट था। तो हाँ हाँ ट्रिब्यूनल नहीं फाइनली ये हमारे सर फेवर में आपका आया। हाँ
और ट्रिब्यूनल में फेवर में आया तो बाद में सब्सिक्वेंट सारे असेसमेंट ईयर का हो गया, एक्सेप्ट फॉर ये जो असेसमेंट ईयर 2021 है, फाइनेंशियल ईयर 1920, उसका थोड़ा इश्यू आ गया। नहीं, ये जो केस है ना आपने बताया वो तो ठीक है कि वहां पे हम समझ सकते हैं कि डिसअलाउ क्यों किया, क्योंकि वो डिले हो गया था, वहां पे वन डे का डिले हो गया था, तो वो सिस्टम में वो ये डिसअलाउ किया होगा कि चेक, बिकॉज़ मैंने चेक किया था, कुछ ऐसा डिले होने का कोई फेवरेबल जजमेंट या कुछ है आप लोगों के नॉलेज में? ओके, बट उसका कोई है, अगर समझो मैं अभी भी फील पे ट्रिब्यूनल में जाता हूँ कि भाई एक दिन का प्रोसीजर लैप्स है एंड व्हाई माय सब्सटेंशियल बेनिफिट है सब कुछ नहीं, प्रोबेबली इसका जजमेंट नहीं रहेगा ऐसा एज पर माय व्यू, क्योंकि ये प्रोविजन ही अभी थोड़ा टाइम पहले आया है ना, हाँ 2-3 साल पहले ऐसे ही ये हुए, तो वो ऐसा जजमेंट रहेगा कि नहीं पता, मीन्स कंटिन्यू नहीं, तो आपका भी हो सकता है कि आपका जो केस आप फाइट किया है तो मैं ढूंढ रहा था वो टाइम पे, मेरे को नहीं मिला। नहीं, आई आल्सो सर्च, वेल आई पुट, बट इन माय केस इट वाज नॉट अ वन डे डिले, माय केस इट वाज अ लिटिल बिट मोर, सो बट आई हैड ट्राइड बट आई कुड नॉट गेट एनीथिंग ऑन दैट एंड आई माय रिजेक्ट माय रिक्वेस्ट इज आल्सो रिजेक्टेड। नहीं, अमाउंट सब्सटेंशियल है ना मैडम। नहीं, और थोड़ा सा क्या होता है कि ये सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल रिफंड नहीं आया तो भी वो एटलीस्ट पेएबल तो भी नहीं आना चाहिए, ऐसा लगता है कि ठीक है। Thank you. Thank you. तो ये अपना तो हाउसिंग सोसाइटी का हमने डिस्कस अभी कर रहे, तो उसमें तो सिंपल एक एटीपी 2D का एक डिडक्शन लेना है और एक 2C का भी हम ले सकते हैं, वो 50,000 तक। अदर सोसाइटीज के लिए भी सिमिलर ये है ना कि अभी जैसा एटीपी का जो फर्स्ट ये है कि उसमें बिजनेस कैरी करना है और वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री दी है कि बैंकिंग है या फिर कॉटेज इंडस्ट्री है, तो ये बिजनेस अगर कैरी करते हैं तो उनको एटीपी 2A का मिलेगा। हाँ, एटीपी 2A का डिडक्शन मिलेगा। मेरा एक ही क्रेडिट सोसाइटी, लेकिन उसका भी अमाउंट जो है नियर अबाउट बहुत माइनर है, 4,000 या कुछ ऐसा ये है रिफंड अमाउंट, वो इसलिए ये ज्यादा उनका TDS किसी ने ऐसा ये किया था कुछ रीजन से। Say something on the other cooperative society. Sir, कौन नाइन सर भी है? हाँ, कुछ और इश्यूज अगर है। नयन सर जी और सुशील सर जी, इवन विनायक जी। हाँ, विनायक सर ने भी ज्वाइन किया है ना? हाँ, विनायक सर ने भी। नहीं, ये जो अभी करंट ईयर में कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं, करंट ईयर में जैसा अलाउ ही नहीं किया, वैसा ही अगर अर्लियर ईयर्स में भी अगर होता था तो इतना इश्यू भी नहीं आता था। यस यस, ट्रू। हाँ, और जैसा PNL थ्रू ही आपने रूट किया
हाँ ना मैडम, जैसा इनकम जो है पी एंड एल थ्रू किया, तो बैलेंस शीट एज इट इज आपने पुटअप किया है जो अपना ऑडिट के लिए ये होता है वैसा, या फिर सिर्फ वो उतना ही पार्ट बताया है? नहीं नहीं, बैलेंस शीट मैंने पूरा डाला, ओनली दैट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रहता है बैलेंस शीट में, उसको आई हैव जस्ट स्टोर द ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, वैसा। हाँ, उसको सिर्फ मींस पहले प्रॉफिट दिखाया, फिर उसी को हमने ये किया कि अदर सोर्सेस कंसिडर्ड सेपरेटली, और फिर उसका डिडक्शन किया। करेक्ट करेक्ट, वैसे ही दिखा, वही अमाउंट का जो इंटरेस्ट मिला है वही अमाउंट का डिडक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अदर इनकम है, अगर टावर इनकम है तो देन आई शो प्रॉपर्ली टावर इनकम, ये वो जो नॉर्मल हाउस, जो नॉर्मल अदर सोर्स का है, हाउस प्रॉपर्टी का है कि वैसे वो नॉर्मल दिखा है। हां, सो आई थिंक now last time we can take a confirmation from all the parties and we can decide on it. हाँ, थोड़ा सा other peoples ने भी कैसा, जैसा ये जुल्फिकार जी ने बताया कि उन्होंने कैसा ये किया है, वैसा अदर पार्टिसिपेंट्स भी अगर बता देते कि उन्होंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वी शुड फॉलो दिस प्रोसीजर ओनली। हेलो हेलो, कंप्यूटर सर, भावना मैडम, यस, हाँ, जैसा आपने बताया कि जो एटीपी टू डी का डिडक्शन जो है हमने अपने इंटरेस्ट के लिए लिया, जो भी इंटरेस्ट चार्जेबल है फ्रॉम कोऑपरेटिव
तो जैसा आपने टावर का वगैरह बताया, तो सिर्फ एटीपी टू एफ उसका सेक्शन अलग किया रहेगा ना? टावर इनकम के लिए कोऑपरेटिव के एटीपी में कोई डिडक्शन नहीं लिया टावर इनकम के लिए। टू एफ यहाँ पे जैसा अभी मैं एटीपी टू एफ में क्या बताया यहाँ पे, इन द केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा नॉट बीइंग अ हाउसिंग सोसाइटी, टावर इनकम विल बी पार्ट ऑफ हाउस इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% वी कैन टेक। एंड if you know the tax, principal tax is specific to that particular area where the tower is there, or maybe like garages society gives to the other people on a rent and garage municipal tax is separately paid, then we can take a municipal tax for the expense also. Okay, on other amount we have to pay tax? Yes, yes, complete. Okay. 30% direct. Tower income or advertising? Yes, advertising, tower income. Sale of scrap is there. That also is one of the income. I think. और यहाँ पे एटीपी में और एक मींस ऐसा एक सेक्शन जो दिया है वो मैं एटीपी टू, हमने टू में पूरा डिडक्शंस दिया है, थ्री में ऑलरेडी जो इन केस ऑफ असेसी क्या बताया है, जो सोसाइटी को 80 सेक्शन 80 एच या जे का डिडक्शन मिलता है तो वो 80 जे और एच का डिडक्शन रिड्यूस करके जो रिमेनिंग डिडक्शन है वो मिलेगा 83 में बताया है। और 84 में क्या बताया है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच सोसाइटी इज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस तो उसे ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट विल बी एज पर सेक्शन 44। हाँ हाँ यस। और इफ एनी हाउसिंग सोसाइटी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक दैट विल बी स्ट्रेट अवे टैक्सेबल, टैक्सेबल ग्रुप मीटिंग। और कैन दैट गेट डिडक्शन अप टू 50,000 एटीपी टू सी? यस यस, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। हां, बियॉन्ड दैट दैट विल बी टैक्सेबल, करेक्ट। अमृता जी, हम अभी आई डिडंट
there is nobody nobody wants matlab anything to discuss. Yes, yes. We will ask Neeraj sir, Sushil sir, what is your experience and how you are dealing with these notices and all these written filing? Are you putting any remark regarding this filing of return in audit report? Yes, yes. If they are not filing, I am putting a remark saying that it is advised to file a return. Advised to file return, yes. Should we conclude? No, we will continue for some time more.
हेलो अमृता, अमृता जी। हाँ बोलो। यस हाँ आई थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस मोर, आई वुड बी लीविंग। ओके थैंक ओके ओके यू, थैंक्स, वी विल बी इन अ टच बिकॉज वी आर डूइंग सेम यस काइंड ऑफ। ओके बाय ओके बाय 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 एवरीवन। बाय।